Okay, so we start group by having an order of. Okay, so group by कैसे काम करता है? So group by normally group by कैसे होता था? ठीक है, so group by यदि हम लोग देखेंगे, सपोज कोई एग्जांपल है हमारे पास, सीरियल नंबर नहीं है, सपोज 101 नेम अशोक, सिटी सपोज पुणे, ओके, फीस 2500, देन 102 सपोज रमेश, ओके, अगेन पुणे, देन 4500, देन 103, देन सपोज सुमित, ललित भोपाल, देन होटल, ओके, सब कुछ ये वाली, ओके, टेबल आपके पास है, सपोज टेबल नंबर आपके पास क्या लिखें, ओके, नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ग्रुप बाई कैसे काम करता है? सो द ग्रुप बाई फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज मुझे क्या करना है, काउंट नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, काउंट नंबर ऑफ कस्टमर्स, काउंट नंबर ऑफ कस्टमर्स, सो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर क्या होगा, सो बताओ आंसर क्या होगा, काउंट नंबर ऑफ कस्टमर्स, क्या आंसर होगा, काउंट नंबर ऑफ कस्टमर्स, ओके, सो वी राइट सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर, ओके, सिंपल, बट सपोज क्वेश्चन आपके पास है काउंट नंबर ऑफ कस्टमर सिटी वाइज, ओके, सो यदि हम लोग देखेंगे तो इसका आउटपुट कैसे होना चाहिए, नाउ आउटपुट होना चाहिए कि सपोज हमारे पास सिटी वाइज काउंट करना है, सो पुणे यहाँ पर काउंट क्या होगा, ओके, सो इन केस ऑफ पुणे द काउंट विल बी टू, ओके, सो इन केस ऑफ मुंबई मैं आउटपुट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सो आपका आउटपुट कैसा होगा, मुंबई काउंट क्या मिलेगा, 1, भोपाल आउटपुट मिलेगा 1, ओके, नाउ अब ये आउटपुट कैसे मिलेगा, नाउ काउंट फंक्शन क्या कर रहा है, ओके, सो अब काउंट फंक्शन क्या करेगा, अब हमें करना क्या है, व्हेन द काउंट इज सिटी वाइज अप्लाई करना है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिटी वाइज ग्रुप बनाना पड़ेगा, सो वन ग्रुप, द सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, सो हम क्या करेंगे, वी मेक द ग्रुप्स सिटी वाइज एंड देन वी अप्लाई द काउंट फंक्शन, नाउ अब इस ग्रुप फंक्शन में इस ग्रुप में काउंट अप्लाई होगा, इस ग्रुप में काउंट अप्लाई होगा एंड इस ग्रुप में अप्लाई होगा, सो नंबर ऑफ ग्रुप्स मुझे कितनी मिलेगी, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ग्रुप्स, ओके, सो जितने भी ग्रुप बनेंगे उतने काउंट की वैल्यू होगी, ओके, पहले क्या था, एक ही वैल्यू होगी, नंबर ऑफ
कस्टमर्स, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा था, 4 मिल रहा था. नाउ वी गेट 211 सेपरेटली. सो अब ये मुझे कैसे मिलेगा? सो ये आउटपुट मुझे मिलेगा, कैसे मिलेगा? नाउ वी राइट सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार सिलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर. लास्ट में लिखेंगे ग्रुप बाय, ओके, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय वर्ड, ग्रुप बाय सिटी. ठीक है, हमने क्या किया, सिटी वाइज ग्रुप बनाए. नाउ यू फॉर्म ग्रुप सिटी वाइज एंड देन अप्लाई ऑन अ काउंट फंक्शन इन ए पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है, सो थ्री ग्रुप्स हमारे पास बनेंगे. सो थ्री ग्रुप्स में क्या होगा, काउंट आपका अप्लाई होगा. ओके, सो काउंट नंबर ऑफ कस्टमर्स सिटी वाइज, अगेन यहाँ पर सिटी वाइज आपका ग्रुप बनेगा, वन ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, फिर थर्ड ग्रुप. ये तो हो गया सिंपल काउंट. ओके, सपोज मुझे क्या करना है, काउंट भी करना है एंड टोटल फीस सिटी वाइज निकलेंगे. सो सपोज थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, डिस्प्ले है नंबर ऑफ कस्टमर्स इन प्रीपेड. ठीक है, प्रीपेड सिटी वाइज. ओके, डिस्प्ले नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड टोटल फीस फीड बाय देन सिटी वाइज. ओके, सो मुझे क्या करना है, सिटी वाइज नंबर ऑफ कस्टमर्स दिखाना है एंड उन लोगों ने टोटल कितना फीस पेमेंट किया है वो हम लोग को दिखाना है. सो अब क्या होगा, यहाँ पर सपोज ये है आउटपुट, आपको क्या मिलेगा, सिटी ये काउंट इतना. ओके, नाउ वी गेट वन मोर कॉलम, इसमें आपको क्या चाहिए, टोटल फीस. ओके, सो अब पुणे से कितना फीस पेमेंट हो रहा है, ओके, 5,000, 6,000, 7,000. सो 7,000 यहाँ पर होगा सिटी वाइज फीस कलेक्ट होगा. ओके, मुंबई में एक ही रिकॉर्ड है, भोपाल में भी सिंगल रिकॉर्ड है, इट विल नॉट बी अफेक्ट. सो अब हम लोग कैसे करेंगे, डिस्प्ले नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द टोटल फीस पेड बाय देम सिटी वाइज. ठीक है, सो अब नाउ वी राइट द आंसर, सिलेक्ट सिटी सेम काउंट स्टार कॉमा टोटल फीस. टोटल फीस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सम फीस एस टोटल फीस. ओके, फ्रॉम कस्टमर दे ग्रुप बाय. अब हम लोग यहाँ वेयर नहीं लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे ग्रुप बाय व्हाट सी. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं, जैसे आपने ग्रुप फॉर्म किया, तो सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा, इट मेक द ग्रुप्स. ओके, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, ग्रुप फोर, जितने भी ग्रुप्स बनेंगे, फिर एज पर द ग्रुप वहाँ से क्या निकालेगा, उसका सिटी निकालेगा, काउंट करेगा, इसी ग्रुप में काउंट भी करेगा और इसी ग्रुप का क्या निकालेगा, सम भी निकालेगा. सो ऑल थ्री वैल्यूज विल बी इन द फर्स्ट ग्रुप. सेकेंड ग्रुप की वैल्यू, अगेन सेकेंड वैल्यू, थर्ड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ वैल्यू. ओके, सो एज पर द नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर आपके पास क्या होगी, वैल्यूज आती जाएगी. और कौन कौन सी वैल्यूज होगी, वैल्यूज यहाँ पर सिटी काउंट सम, आपको जो भी फंक्शन अप्लाई करना है वी कैन अप्लाई इन ए ग्रुप. ओके, सो अब हैविंग कहाँ पर आता है, सो ग्रुप हम लोग यूज नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग हैविंग. सो व्हेन वी अप्लाई द कंडीशंस ऑन ए ग्रुप, सपोज हमें किसी ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई करना है, देन वी यूज हैविंग. अब क्या कंडीशन अप्लाई करें, कि सपोज मुझे ऐसे ग्रुप का नेम दिखाना है जिसका फीस कलेक्शन कितना है, सपोज
3000 से अबोव, ठीक है। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज ग्रुप्स हुज फीस कलेक्शंस इज मोर देन 3000। सो अब इसमें ये नहीं होगा, अब हम लोग कंडीशन कहाँ पर पुट कर रहे हैं, ऑन ए ग्रुप जिसका फीस कलेक्शन, मतलब फीस कलेक्शन किसका, ग्रुप का, फीस कलेक्शन किसका, ग्रुप का। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे सब कुछ प्रैक्टिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज हमारे पास अलग अलग किसी एक रूम में अलग अलग सिटीज़ के कस्टमर्स हैं, हमने क्या किया, सबकी फ़ीस का हम टोटल करेंगे और टोटल करके क्या देखेंगे कि भाई सबका फीस ग्रेटर देन 3000 हो रहा है क्या, ठीक है, हो रहा है तो वो ग्रुप क्या होगा, पर्टिकुलर किसी एक इवेंट के लिए या फिर पर्टिकुलर रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज इट विल बी डिस्कार्डेड। सो इन द सेम केस हमें क्या करना है, सिंपल डिटेल निकालना है अभी। सो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, डिस्प्ले नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड कस्टमर, इतना ही लिखना, ठीक, डिस्प्ले द नंबर ऑफ कस्टमर्स हुज डिस्प्ले, इसको क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, डिस्प्ले नंबर ऑफ कस्टमर्स सिटी वाइज, ठीक है, सिटी वाइज हुज फी कलेक्शंस मोर देन 3000, ठीक है। सो अब कंडीशन क्या बोल रहे हैं, डिस्प्ले द नंबर ऑफ कस्टमर सिटी वाइज, नंबर ऑफ कस्टमर सिटी वाइज हमें डिस्प्ले करना है, जिसका फीस कलेक्शन, किसका फीस कलेक्शन, ग्रुप का कितना है, मोर देन 3000। नाउ सो हम क्या करेंगे, वी पुट, ओके, सम फीस ऑर्डर देते हैं फ्रॉम द कस्टमर ग्रुप बाई सिटी। अब नाउ वी आर गोइंग टू पुट द कंडीशन ऑन अ ग्रुप, ओके, हैविंग by using having what, the fees collection, मतलब fees collection आपको कैसे पता चलेगा, now we use sum fees, fees निकालना पड़ेगा ना, sum fees करना पड़ेगा, get the 2000, clear है। So when we put the conditions in a group, okay, in a particular group, then we use having, so where हम लोग यूज़ नहीं कर, where यदि आपने यूज़ किया तो इट विल सिलेक्ट द इंडिविजुअल रिकॉर्ड नॉट द ग्रुप। सो where इज यूज टू पुट द कंडीशन ऑन द इंडिविजुअल रिकॉर्ड, ओके, इंडिविजुअल रिकॉर्ड नॉट ऑन द ग्रुप। सो सपोज ये टेबल हमें क्रिएट करना है और सारी क्यूरीज को रन करके देखना है, सो कैन यू सी, ये आप लोग रन करके देख लेंगे या मैं रन करके दिखाऊं, ठीक है, बताओ प्रियंका, ठीक है। सो टेबल आपको क्रिएट करना है, ओके, सेम टेबल आपको क्रिएट करना है, सॉरी, ओके, एंड देन ये क्यूरीज रन करना है, इतना क्लियर है। हैविंग कहाँ पर यूज करना है, सो यदि ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करना है, ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करना है, ठीक है, ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करना है, इन द सेंस सपोज हमारे पास कोई ग्रुप है, ये ग्रुप है, ओके, वन ग्रुप, टू ग्रुप, ओके, थ्री ग्रुप, ओके, सपोज ये हमारे पास ग्रुप के मेंबर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ऐसे ही यहाँ पर ग्रुप के मेंबर्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ओके, देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ओके। अब सपोज हमें ऐसे ग्रुप्स को दिखाना है जिसके ग्रुप मेंबर्स क्या हैं, मोर देन एट है, तो
तो क्या कंडीशन लिखेंगे हम लोग, क्वेरी क्या होगी, शालिनी क्या क्वेरी होगी? वी राइट सिलेक्ट, ओके जो भी लिखना है, सपोज आपको काउंट लिखना है काउंट लिखेंगे, सो काउंट स्टार फ्रॉम, और द सिटी लिखना है आप सिटी लिखेंगे, फ्रॉम कस्टमर वेयर ग्रुप बाय व्हाट सिटी दे, इसके बाद हम क्या लिखना है कंडीशन पुट करना। नाउ ग्रुप तो बन गए, सपोज ये ग्रुप बन गए हमारे पास, ठीक है ये सारे क्या ग्रुप बन गए, ग्रुप किसके थ्रू बने, सिटी वाइज बन गए, ठीक है। अब हमें इस ग्रुप के ऊपर कंडीशन अप्लाई करना है जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 7 और मोर देन 7, ओके सो 7 और मोर देन 7 के लिए हमें क्या करना है कंडीशन पुट करना है। सो सिलेक्ट दोज ग्रुप विच आर हैविंग 7 और मोर देन 7 मेंबर्स, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वी पुट हैविंग काउंट स्टार, ठीक है कितने ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ठीक है। सो हैविंग कंडीशन विल इम्पोज कंडीशन ऑन द ग्रुप, सो सिलेक्ट दोज ग्रुप विच आर हैविंग 7 और मोर देन 7 मेंबर्स, उसका हमें क्या दिखाना है, काउंट स्टार दिखाना है एंड सिटी दिखाना है, ठीक है क्लियर है। हैविंग किसके लिए होगा, हैविंग किसके लिए होगा, डाउट है सृष्टि, डाउट लोकेश तुषार डाउट है? नो सर। सो नेक्स्ट मूव करें हम लोग, सिलेक्ट सिटी काउंट स्टार फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय सिटी हैविंग, सो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे इस पर हम लोग यदि कंसिडरेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है ग्रुप बाय सिटी हैविंग, मतलब आप इसी लाइन को यदि 3-4 टाइम रीड करेंगे विद कंसंट्रेशन देन यू विल गेट कि आपको हैविंग कहाँ पर यूज़ करना है, ग्रुप बाय सिटी हैविंग सम ग्रेटर देन 3000, ओके सो ये पहले क्या करेगा, सिटी वाइज ग्रुप बनाएगा, ओके पहले ग्रुप फॉर्मेशन होगा, देन इट विल अप्लाई, इट विल सिलेक्ट द ग्रुप विच आर हैविंग सम फीस ग्रेटर देन 3000, ओके इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट फॉर्म द ग्रुप एंड देन अप्लाई द कंडीशन ऑन द ग्रुप फॉर्म्ड, ठीक है जो ग्रुप आपका बना है उसके ऊपर आपको कंडीशन अप्लाई करना है, देन वी यूज हैविंग ग्रुप हैविंग, ओके सिलेक्ट द ग्रुप विच हैविंग द कंडीशन ग्रुप हैविंग, ओके नाउ ओके सो लास्ट बचता है आपका ऑर्डर बाय पता है आपको, नाउ वी सिलेक्ट ऑर्डर बाय, इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। नाउ वी यूज ऑर्डर बाय सबको पता है, सो ऑर्डर बाय इज द लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेक्ट, ओके लास्ट क्लॉज एक्चुअली, सो सिलेक्ट में कितने 3 पार्ट होते हैं, सिलेक्ट ओके वेयर एंड देन लास्ट पार्ट बचता है आपका ऑर्डर बाय, सो सपोज यदि हमें कस्टमर्स को कैसे रीट अरेंज करना है, फीस वाइज अरेंज करना है कि उसका फीस कैसे है डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाए, मतलब पहले रिकॉर्ड कौन सा होगा आपका, फर्स्ट रिकॉर्ड
ओके 4500 ये भी हो सकते हैं, देन सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, ओके देन फोर्थ रिकॉर्ड. सो इट विल अरेंज इन द रिकॉर्ड फीस वाइज. ओके और वी कैन से आपका जो रोल नंबर है, सीरियल नंबर, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए. ओके या फिर नेम असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए और द सिटी इन असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए. सो आपको क्या करना है, रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है. सो इट विल नॉट ऐड और डिलीट द रिकॉर्ड्स, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, ना तो ऐड करेगा ना डिलीट, इट सिंपली रीअरेंज. आपके पास जो भी सिलेक्ट कमांड के थ्रू है, सिलेक्ट कमांड के पास है, सो आप कौन से रिकॉर्ड्स को करते हैं, सो डिपेंड करता है कि आपके पास सिलेक्ट के पास क्या है. सो जो भी सिलेक्ट के पास होगा इट विल अरेंज. ओके सो सपोज आपने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर नाउ ऑर्डर बाय. सो ऑर्डर बाय कैन बी यूज डायरेक्टली विदाउट वेयर. सो वेयर इज एन ऑप्शनल पार्ट. ओके ऑर्डर बाय सपोज आपने लिखा सीरियल नंबर. ओके नाउ वी यूज एएससी फॉर असेंडिंग ऑर्डर एंड डीएससी फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके सो सपोज मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, नाउ वी कैन यूज डीएससी सीरियल नंबर. सो ऑर्डर बाय, अब सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले रिकॉर्ड फैच करेगा. ओके यहाँ पर देखो दो चीज़ें हो रही हैं, व्हेन वी रन द क्वेरी इट विल फेच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस. तो डेटाबेस से रिकॉर्ड फैच हो गया लेकिन आपको क्या है, इनविजिबल है, यू कैन नॉट सी जब तक कि आपका कमांड कंप्लीट नहीं होता है. नाउ इट विल अरेंज द रिकॉर्ड एज पर द ऑर्डर बाय क्लॉज. ठीक है देन आपको फाइनली वो डिस्प्ले होगा. जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिस, नाउ वी गेट एडमिशन नंबर 1112 1121 1130. ओके नाउ सपोज मैंने यहाँ पर लिखा ऑर्डर बाय, ओके ओ आर डी आर ऑर्डर बाय एडमिशन नंबर डी एस सी. नाउ इसने क्या किया, रिकॉर्ड्स को रीअरेंज किया. सिंपल क्या किया, रीअरेंज किया. विल डू ठीक है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑफिस ऑर्डर बाई एडमिशन नंबर डी एस सी. ओके सो एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग उसने क्या कर दिया, डिसेंडिंग कर दिया. एडमिशन नंबर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग किया. ओके सो सम टाइम क्या होता है कि जैसे सपोज हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं. मल्टीपल रिकॉर्ड्स का मतलब है कि सपोज हमारे पास जैसे मेल है. ओके अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम करते हैं. सपोज ऑर्डर बाय आपने किया, मैंने कर दिया जेंडर. ठीक है ना, अब जेंडर में क्या हुआ, मेल पहले फीमेल बाद में. ठीक है अब यहाँ पर अदिति है एंड रमेश है. अब मुझे रमेश पहले चाहिए, अदिति बाद में चाहिए. मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, जो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर है नेम के, वो जेंडर में नेम डिसेंडिंग चाहिए. मतलब पहले तो जेंडर वाइज अरेंज हो जाए, फिर जेंडर में भी सेकेंड कंडीशन आपने क्या डाल दिया कि जेंडर में भी आपके जो नेम है वो नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में आए. सुना इन दिस केस हमें क्या करना है, ऑर्डर बाय जेंडर डिसेंडिंग कॉमा देन वी राइट एस टी डी नेम. ये भी कैसे चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए. ना देखो रमेश ऊपर चला गया, अदिति नीचे आ गया. रमेश यहाँ पर सेकेंड था, अदिति. सो उसने क्या किया, पहले जेंडर वाइज अरेंज किया ऑर्डर बाय. ओके सो जेंडर बाय अरेंज हो गया, फिर जेंडर में भी उसने क्या किया, सेकेंड फर्स्ट अरेंज बाय जेंडर, उसने जेंडर वाइज अरेंज कर दिया. फिर हमने क्या बोला कि भाई अब मुझे जेंडर में जो आपका जेंडर है उसमें क्या चाहिए, एस्टरडे नेम डिसेंडिंग चाहिए. सो पहले जेंडर वाइज अरेंज हो गया, उसके बाद आपका नेम वाइज. अब यहाँ पर दो ग्रुप बन गए ऑटोमेटिक. सो मेल के अंदर क्या करेगा, इट विल अरेंज द नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फीमेल के अंदर एक ही है, सो इट विल सो. ओके ये क्लियर है. सो सपोज आपके लिए मल्टीपल फील्ड्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, सो वी कैन अरेंज. सो आपने एक अरेंज किया
सो अब ग्रुप बन गए, मेल फीमेल के ग्रुप बन गए। फिर आप उसके अंदर करना है तो आप उसके अंदर अरेंज कर सकते हैं, फीस वाइज अरेंज करना, फीस वाइज अरेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे कैसे अरेंज करना। सो ऑर्डर वाइज यूज जनरली टू रीअरेंज रिकॉर्ड्स, ठीक है, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म। सो आप डेट में भी अप्लाई कर सकते हैं और पर्टिकुलर किसी फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो इसमें डाउट है